हरवन क्षेत्रों के क्षय रोगियों की खोज कर उनका उचित उपचार के लिए शनिवार को जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय में अर्बन मिशन हेल्थ पोस्ट में तैनात एलटी और आरएनटीसीपी कार्यक्रम के तहत क्षय रोग की जांच के लिए ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से अर्बन क्षेत्रों में क्षय रोगियों की खोज कर उनका उचित इलाज करना और सेवाएं प्रदान करना है। ट्रेनिंग पूरी होने पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त अर्बन सीएससी और पीएससी में पुनर्क्षेत्र राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण के अंतर्गत एक डेजिनेटेड माइक्रो स्कोपिक सेंटर एवं डॉट सेंटर अतिशीघ्र स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अर्बन क्षेत्र की क्षय रोगियों की खोज किया जा सकेगा। कार्यशाला में सीनियर एलटी उपेंद्र रायत और अशोक कुमार चौरसिया ने अर्बन क्षेत्र से आए एलटी को जांच से संबंधित विशेष जानकारी दिया। कार्यशाला में धर्मवीर प्रताप सिंह, अभय नारायण मिश्रा, मिर्जा आफ्ताब बेग सहित जिला क्षय रोग विभाग के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने कहा, और ये होगा टूलू से संख्या, उसके बाद 15 से लेकर के 3 गलियों में अंगमन जब कोई ये ड्राइव होगा अपने आप सूखेगा, जब सूख जाता है तब जाकर के सीरियल नंबर पर उसको स्टेनिंग ब्रॉड कर जाए इसे, और वो स्टेनिंग वैलिडिटी 3 महीने होती है, फिर आगे वैलिडिटी होती है ड्राइव इंटायर स्लाइड, पूरी स्लाइड को कवर कर, वो जो हमें करेंगे पूरी स्लाइड को कवर कर लें, यहाँ पड़ा हुआ है वो पूरी स्लाइड का कवर कर लें, ये 3 से 5 ml तक, 5 ml लगभग ये स्लाइड एक्सटेंड करने में हमें कार्बन फ्यूजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा 1% का कार्बन फ्यूजिंग होता है, ठीक है, इसको डाल लिए, फिर नीचे से स्पीड लेंथ से हम हल्का फ्लेम करेंगे, ठीक है, 3-4 सेकेंड के लिए 3-4 बार उसको रुक रुक करके करेंगे, ठीक, इससे ये होगा कि वो अबाउट 90 degree टेम्परेचर पर हम उसको फ्लेम करेंगे, टेम्परेचर है बॉयल नहीं होने पाए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये बॉयल नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम हीट कर रहे हैं बॉयल होगा वैसे लाएगी सारा ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेंगे नहीं, तो बॉयल नहीं होना चाहिए, वेपर वाष्प निकलता है, निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि 80-90 degree के आसपास इसका टेम्परेचर हो गया, फिर फ्लेम को हटाएंगे, दोबारा इस तरह से 3 से 4 बार यह प्रोसेस हम करेंगे, उसमें से वेपर वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा, फिर 5 मिनट के लिए उसको हम छोड़ देंगे, ऐसे ही 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किताब के हिसाब से 5 ही मिनट होगा, 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जब तक हम डाल रहे हैं तभी तक 10 सेकेंड 5 मिनट हो जाएगा, अगर ज़्यादा हमारी साइड हैं तो 15-20 सेकेंड तक हम डालते रह रहे हैं तो पूरा ये टाइम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, मैक्सिमम 10 स्लाइड तक हम एक बार में स्कैन करेंगे, आप लोगों को दोबारा करना है, ठीक है, एक बार हम करके बताएंगे, अभी तो उस तरह से बता दिए हैं मौके, फिर करके हम दिखाएंगे ऐसे किया जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अभी आपको स्वयं करना पड़ेगा, एक लाइट की रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये अभी लाइन में चल करके होगा, फिर दोबारा आपको फिर उसका भी समझ में नहीं आए, आप अर्बन के हैं यहाँ आकर के समझ लीजिएगा, मौका निकाल कर एक उस स्लाइड में सर ही आप तो देखते रहेंगे, या वो अपने यहाँ स्लाइड बनाते हैं, कहीं डाउट होता है तो आप यहाँ आकर के चेक करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ एल टी माइक्रोस्कोप है, अच्छे से माइक्रोस्कोप है, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट होगा हम लोग जो है ज़्यादातर से जो टीवी के पेशेंट हैं कवर कर लेंगे, कहीं भी किसी स्तर से छूटने ना पाए, होता ये है कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि आपके अर्बन हेल्थ पोस्ट पर दिखाएंगे फिर वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, दवा खाए चैंटी और फिर नहीं जब नहीं होगा तब फिर शायद आगे बढ़े, कुछ जो है स्लम एरिया के होते हैं झोपड़ी झोंगे वाले होते हैं वो आप ही तक सीमित रह जाएंगे और अपने एरिया में फैला सकते हैं, तो हमारा यह उद्देश्य है कि हम कहीं से भी कोई मरीज आता है उसको सुविधा देना है और वहीं आने के बाद हम यदि जाँच कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि वह मरीज यदि छूटा रह जाता है किसी कारण से तो साल में कम से कम 10 से 15 और नए मरीज उनकी भी पैदा कर सकता है, जितने भी हेल्थ पोस्ट हैं वहाँ डीएमसी है यानी हमारे लैब टेक्नीशियन हैं वहाँ पर भी
स्पूटम जांच कराया जाए जिससे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की जल्दी से जल्दी जांच हो जाए और उसका हम ट्रीटमेंट कराएं जिससे कि क्षेत्र में और फैलने न। इसीलिए जो है यह अभियान पहले भी प्लानिंग में था लेकिन अब जो है इसकी गंभीरता को बीवी की गंभीरता को देखते हुए इसको जितना जल्दी जल्दी लाइव किया जा सके कि जो यह काम हमारा अच्छी तरह है। तो देख तरह सर्जन काम था खांसी की दवाई के लिए अस्पताल बहुत भीड़ लगती है, लंबा लाइन लगता है, लंबा लाइन भीड़ से लोग घबराते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ जाँच करना भी आसान होता है, कुछ प्राइवेसी भी होती है तो प्राइवेसी भी मेंटेन करना होता है। अगर वो कुछ को जान जाएगा बताएगा तो क्या कहेगा कि हमारे पास बैठेंगे नहीं, हमारे साथ खाएंगे नहीं, होता है ना सोशल स्टिग्मा है। यह कार्यक्रम कम ट्रेनिंग जो अर्बन मिशन हेल्थ पोस्ट में हमारे एलटी पोस्टेड हैं इनको जो है आरएनटीपीसी प्रोग्राम के तहत टीबी की जांच के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि इनकी सहभागिता और बढ़ सके और जहां जहां हमारा जो है अर्बन मिशन हेल्थ पोस्ट है वहां पर जो है एलटी हमारे जो है टीबी के मरीजों से की जांच करेंगे जिनमें जो है टीबी के लक्षण पाए जाते हैं जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा केस निकल सकें, ज़्यादा सा केस जो है आइडेंटिफाई हो सके और उनका जो है इलाज समय से कराया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों का ट्रेनिंग रखा गया है कि कैसे स्लाइड बनाना है, कैसे जांच करना है और इसमें जब ट्रेंड हो जाएंगे तो जितने हमारे अर्बन मिशन हेल्थ पोस्ट के हैं उनका जो है काम शुरू हो जाएगा और टीबी के मरीजों का जांच भी शुरू हो जाएगा, वहाँ जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर भी रहेंगे और वहीं से इलाज भी शुरू हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ से रुक है? ये हमारे जितने गोरखपुर में अर्बन हेल्थ पोस्ट है 23 है और इसमें जो है आपका जो है शिवपुर जो है सहवादगंज है और अरियारी बाग है, जाफरा बाज़ार हो गया, तुर्कमानपुर हो गया, बेतिया हाता हो गया, हुमायूंपुर हो गया और नथमलपुर है, निजामपुर हो गया, पुरदिलपुर हो गया, रामपुर रामगढ़ हो गया, दीवान बाज़ार और बसंतपुर हो गया, जटीपुर हो गया, सिविल लाइन हो गया, छोटे काजीपुर है और झरना टोला है, इस क्या कहते हैं इस्माइल चक है, शाहपुर है और इटिया बाग है, मोहद्दीपुर हो गया, बिछिया हो गया, गोरखनाथ हो गया और तारामंडल, इतने जो है जगह के हमारे एलटी आए हुए हैं, इनको ट्रेन किया जा रहा है जिससे कि जो है एक्टिव फास्ट बेसलाइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जांच करके जो है उन मरीजों को चिन्हित करेंगे जो उस लक्षणों से ग्रसित होते हैं और जांच करने के बाद फिर वहीं से इलाज शुरू हो जाएगा।